पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उनकी हालत को लेकर एक एक मिनट अहम है। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया है। अंशुमन ने अपनी मां की हालत गंभीर बताते हुए सभी व्रतियों से छठ मैया से प्रार्थना करने की अपील की है। इसके साथ उनके बेटे ने छठ से पहले अपना नया गाना दुखवा मिटियन छठी मैया रिलीज किया है। आपको बता दें कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को बीते 25 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने पर एम्स के कैंसर सेंटर मेडिकल ऑंकोलॉजी वार्ड में भर्ती कराया गया था। मेडिकल ऑंकोलॉजी विभाग के डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। उनकी पहचान मैथिली और भोजपुरी की लोक गायिका के रूप में है और उनके छठ पूजा के गीत बेहद ही लोकप्रिय हैं और उन्हें बिहार कोकिला के रूप में जाना जाता है। लेकिन उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार को शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंचे थे। इससे पहले हाल ही में अश्विनी कुमार चौबे, रामनाथ ठाकुर और धर्मशीला गुप्ता ने भी शारदा सिन्हा से मुलाकात की थी। चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी है और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। पद्म भूषण से सम्मानित 72 वर्षीय लोक गायिका शारदा सिन्हा को 2017 में मल्टीपल माइलोमा नामक कैंसर का पता चला था। शारदा सिन्हा ने कुछ सप्ताह पहले अपने पति ब्रजकिशोर सिन्हा को खो दिया था जो ब्रेन हैमरेज से पीड़ित थे। इस साल की शुरुआत में दोनों ने अपनी 54वीं शादी की सालगिरह मनाई थी। माना जा रहा है कि शारदा सिन्हा पति की मौत के बाद से सदमे में हैं। शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड फिल्मों जैसे कि मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के लिए भी लोकप्रिय गीत गाए हैं। उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में तार बिजली के जैसे गीत भी गाया है। 1991 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था।